हेलो एवरीवन, आज हम पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड की एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और फंक्शन के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये नेक के एंटीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होती है और ये पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ये टाइनी राउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो यूजली थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और एक थिक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल जो होता है वो इस ग्लैंड को थायराइड टिश्यू से सेपरेट करता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है पैराथायराइड ग्लैंड, और जो पिंक कलर में आपको यहाँ पर एक एच शेप की या बटरफ्लाई शेप की दिख रही है उसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। तो ये तो हुई बड़ी वाली, तो होती है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के ऊपर आपको यहाँ पर चार राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। मोस्टली पीपल में ये चार पैराथायराइड ग्लैंड होती है, लेकिन ओकेजनली ये नेक के टिश्यू में ज़्यादा भी हो सकती है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है इसमें दो टाइप की सेल्स होती है मेनली, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका मेन फंक्शन होता है पैराथार्मोन का सिक्रीशन। ये पैराथार्मोन का बॉडी में क्या काम होता है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं। तो लोकेशन में हमने पहले देखा ही था कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट पर, यहाँ पर मिडिल में ये पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और नंबर में 4 होती है, मतलब 2 पैर पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। एनाटॉमी, इस ग्लैंड की अगर एनाटॉमी की हम बात करें तो इसको हम दो पार्ट में या दो पैर में डिवाइड करते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये दो येलो स्ट्रक्चर हैं, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, और जो पीछे जो आपको यहाँ पर दो येलो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है। ये सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है वो एम्ब्रियोलॉजिकली 4th फेरेंजियल पाउच से डिराइव होती है। ये दोनों तो 4th फेरेंजियल पाउच से डिराइव होती है, और ये 3rd फेरेंजियल पाउच से डिराइव होती है, और ये थायराइड ग्लैंड के इन्फीरियर पोल्स के पास में प्रेजेंट होती है। कौन? इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, नाम है इसका इन्फीरियर पैराथायराइड ग्लैंड है, इसीलिए थायराइड ग्लैंड के इन्फीरियर पोल के पास में होती है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में। पैराथायराइड ग्लैंड में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें एक होती है चीफ सेल्स और दूसरी होती है ऑक्सिफिल सेल्स। चीफ सेल्स पैराथार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, और चीफ सेल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो आपको डार्क कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं राउंड शेप में वो सेल्स हैं चीफ सेल्स, और जो लाइट पिंक कलर की सेल्स आपको दिख रही है वो है ऑक्सिफिल सेल्स। इधर भी आप देख सकते हैं ये लाइट पिंक कलर की सेल्स वो कौन सी हो गई है, ऑक्सिफिल सेल्स, और जो आपको यहाँ डार्क कलर में राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो चीफ सेल्स हैं, और इनके बीच बीच में यहाँ पर एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। क्लियर? इसका एक और डायग्राम है, आप यहाँ देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं आपको ये तो हैं चीफ सेल्स, और जो बड़ी हैं यहाँ पर वो हैं ऑक्सिफिल सेल्स। तो चीफ सेल्स पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करती है, इनमें गॉल्जी बॉडी और ईआर प्रेजेंट होते हैं जो कि पैराथार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए अलाउ करते हैं। चीफ सेल्स का नंबर ज़्यादा होता है, ये ऑक्सिफिल सेल्स के कंपेरिजन में एबंडेंट होती है, और ऑक्सिफिल सेल्स साइज में चीफ सेल्स से बड़ी होती है लेकिन इनका नंबर कम होता है। और इन दोनों सेल्स के अलावा एक तीसरी टाइप की सेल्स होती है, वो एडिपोज सेल्स, जिसको हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा है, ये वाली सेल्स होती है एडिपोज सेल्स। तो मेनली पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर चीफ सेल्स और ऑक्सिफिल सेल्स होती है, और एडिपोज सेल्स भी देखी जा सकती हैं। यहाँ पर देखिए ये चीफ सेल्स है जो कि नंबर में ज़्यादा है और साइज में छोटी है, ऑक्सिफिल सेल्स नंबर में कम है और साइज में बड़ी है। अब पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे हम पैराथार्मोन या PTH बोलते हैं। ये बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में सेंट्रल रोल प्ले करता है। पैराथार्मोन को कॉलिप्स हार्मोन भी कहा जाता है। इसे कॉलिप्स हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डिस्कवरी की थी फिलिप्स कॉलिप्स नाम के साइंटिस्ट ने की थी, तो उन्हीं के बेस पर इसका नाम कॉलिप्स हार्मोन रखा गया है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है और इसमें 84 एमिनो एसिड्स होते हैं। पैराथार्मोन हार्मोन का फंक्शन क्या है, उसकी एक्शन क्या है? इसकी तीन मेन एक्शन होती है जिससे वो बॉडी में कैल्शियम लेवल को राइज करता है या इंक्रीज करता है। तो तीन वे हैं जिससे कैल्शियम का लेवल बॉडी में बढ़ता है। पहला होता है इंक्रीज्ड बोन रिजॉर्प्शन,
दूसरा है इंक्रीज्ड रीअब्सॉर्प्शन इन द किडनी, और तीसरा है विटामिन डी सिंथेसिस। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कैसे ये तीनों एक्शन परफॉर्म होती है इस ग्लैंड हॉर्मोन्स के थ्रू और बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है। फर्स्ट पढ़ते हैं हम इंक्रीज्ड बोन रिजॉर्प्शन। जो पीटीएच है, पैरा थायरॉइड हॉर्मोन, ये क्या करता है, बोन पर डायरेक्टली काम करता है और बोन रिजॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब दो टाइप की सेल्स होती है, एक सेल्स होती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और दूसरी होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का काम होता है बोन का फॉर्मेशन करना और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम होता है बोन्स को तोड़ना। मतलब ब्लास्ट तो फॉर्मेशन करती है और ये उसको तोड़ती है, क्लियर। तो पीटीएच डायरेक्टली बोन्स पर काम करता है और बोन के रिसेप्शन को इंक्रीज करता है। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है, जो बोन्स का फॉर्मेशन करती है, ये उनसे एक सिक्रीशन को सिक्रीट करवाता है। मतलब उनसे एक साइटोकाइन नाम का सिक्रीशन होता है, इन ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स से साइटोकाइन का सिक्रीशन हो इसके लिए वो इसको स्टिमुलेट करता है पीटीएच। जिससे क्या होता है, ये साइटोकाइन का सिक्रीशन होता है तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और ऑस्टियोक्लास्ट हमने पढ़ाई था कि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, बोन्स को खोखला करने का काम करेगी या फिर उसको तोड़ने का काम करेगी। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर रही है, ये ब्रेकडाउन कर रही है बोन्स का। अब बोन्स का ब्रेकडाउन होगा तो बोन्स टूटेगी तो क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा। तो उसके कारण क्या होगा कि जब पीटीएच की एक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब पीटीएच जब काम कर रहा है, तो पीटीएच काम करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, साइटोकाइन का सिक्रीशन तो हो रहा है ऑस्टियोब्लास्ट सेल से, जिससे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स एक्टिव हो रही है और ऑस्टियोक्लास्ट बोन का ब्रेकडाउन करा रही है। और इस बोन के ब्रेकडाउन के कारण कैल्शियम का लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये थी पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करती है, इससे पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन होता है और वो ब्लड में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड से पीटीएच का सिक्रीशन हुआ। इस पीटीएच का सिक्रीशन होते ही इसने स्टिमुलेट किया कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल साइटोकाइन का सिक्रीशन करेगी और फिर वो साइटोकाइन ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, बोन्स का ब्रेकडाउन करती है, तो ये क्या करेगा, बोन्स का ब्रेकडाउन करके उससे कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। तो कैल्शियम जब रिलीज होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, क्लियर। अब सेकंड हम पढ़ रहे थे इंक्रीज्ड रीअब्सॉर्प्शन इन द किडनी। जो पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, वो जो नेफ्रोन, किडनी में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, नेफ्रोन, उस नेफ्रोन में लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूबुल वाला जो पार्ट होता है, उनसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके अमाउंट को, मतलब वहां से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के अमाउंट को कौन इंक्रीज करता है, पीटीएच। मतलब जब पीटीएच का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूबुल से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। और दूसरा काम क्या है पीटीएच का, ये फॉस्फेट एक्सक्रीशन की रेट को इंक्रीज करता है। अब फॉस्फेट एक्सक्रीशन की रेट को ये इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि ये अगर इसको एक्सक्रीशन नहीं करवाएगा फॉस्फेट का, तो किडनी में कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बन जाएंगे। तो इसलिए इसका एक्सक्रीशन कराना बहुत जरूरी होता है। और ये फॉस्फेट एक्सक्रीशन का काम कौन करता है, पीटीएच करता है, क्लियर। ये देखिए, यहां पर पीटीएच सिक्रीट हो रहा है और पीटीएच क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कैल्शियम अपटेक इन किडनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन डी सिंथेसिस। पीटीएच एक्टिवली जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को गट में बढ़ाता नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, इनडायरेक्टली बढ़ाता है। इनडायरेक्टली कैसे करता है ये, कि पीटीएच हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो उससे क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था किडनी पर, तो क्या इफेक्ट होगा कि ये कैल्शियम का अपटेक किडनी में बढ़ाने के लिए इसको स्टिमुलेट करेगा ये किडनी को। और दूसरा ये होता है कि ये विटामिन डी के फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करता है पीटीएच। तो विटामिन डी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, और कई बार ये विटामिन डी को किस में चेंज कर देता है, कैल्सिट्राइल में चेंज कर देता है ये। और ये विटामिन डी फिर क्या करता है कि गट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, मतलब कैल्शियम अपटेक इंटेस्टाइन में बढ़ा देता है। कौन, विटामिन डी बढ़ा देता है।
तो इस टाइप से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है पीटीएच के द्वारा, और फिर ये कैल्शियम की अपटेप को इंटेस्टाइन में इंक्रीज कर देता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखा था, पहले जब कैल्शियम का लेवल कम था तो उसी समय इस पैराथायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलस मिल रहा था, और इसको ये स्टिमुलेट होती है तो पीटीएच का सिक्रेशन हो रहा है, और पीटीएच का सिक्रेशन हो रहा है तो एक तो क्या हो रहा है, बोन्स से कैल्शियम रिलीज हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है कि ये जो पीटीएच है वो कैल्शियम अपटेक को किडनी में बढ़ा रहा है, और कैल्शियम अपटेक को किडनी में बढ़ा रहा है मतलब जो लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल से वहां से, तो उससे फिर ब्लड कैल्शियम लेवल राइज हो रहा है, और यहाँ ये विटामिन डी को सिंथेसिस विटामिन डी का फॉर्मेशन भी करता है, और ये स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइन में कैल्शियम के अपटेक को, जिससे भी क्या होता है ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। तो इस टाइप से जब ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो वापस उसको मेंटेन करना है, तो होम्योस्टेसिस की कंडीशन होती है यहाँ पर, जब दोनों मतलब रेगुलेट रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, होम्योस्टेसिस के अंदर क्या होता है, ना तो ब्लड कैल्शियम ज़्यादा होता है ना कम होता है, ठीक है, ये पर 100 ml ब्लड में 10 mg रहता है, तो ये होती है होम्योस्टेसिस की स्टेज होती है, कम या ज़्यादा होगा तो इस टाइप से मैकेनिज्म इसका चलता है। पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेशन, पैराथायरॉयड ग्लैंड इसका जो कंट्रोल होता है वो नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू कंट्रोल होता है। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि पैराथायरॉयड ग्लैंड में दो टाइप की सेल्स होती है, एक चीफ सेल्स होती है और एक ऑक्सिनेटिक सेल्स होती है। चीफ सेल पर कैल्शियम से जुड़ने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जी प्रोटीन कैल्शियम रिसेप्टर, ठीक है, वो चीफ सेल्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये है चीफ सेल्स, ये चीफ सेल के ऊपर यहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, इन रिसेप्टर पर कैल्शियम आकर के बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है ECF में, तब कैल्शियम चीफ सेल पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे कैल्शियम आकर के बाइंड हो जाता है, तो कैल्शियम बाइंड्स टू रिसेप्टर। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो कैल्शियम किससे बाइंड होता है, जी प्रोटीन कैल्शियम रिसेप्टर से बाइंड होता है। जब इस रिसेप्टर से कैल्शियम बाइंड हो जाता है तो एक मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोआइनोसिटाइड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोआइनोसिटाइड। ये मॉलिक्यूल का जब प्रोडक्शन होता है तो ये क्या करता है, पीटीएच के सिक्रीशन को प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है। तो जब पीटीएच के सिक्रीशन को ये रोकेगा तो कैल्शियम वापस कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, जाकर के बोन्स में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, हाई कैल्शियम लेवल था जब, तो ये कैल्शियम जो चीफ सेल पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनसे ये कैल्शियम बाइंड हो गया। अब इनके बाइंड होने पर किसका प्रोडक्शन होता है, अभी हमने यहाँ पर इसमें देखा था फॉस्फोआइनोसिटाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब फॉस्फोआइनोसिटाइड का फॉर्मेशन होगा तो पीटीएच का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा या संदमित हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा। तो जब पीटीएच का सिक्रीशन होगा ही नहीं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम वापस बोन्स में जाकर के डिपॉजिट हो जाएगी। क्लियर? और पीटीएच क्या करता है, अभी हमने देखा था कि ये विटामिन डी के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, और विटामिन डी डायरेक्टली पैराथायरॉयड ग्लैंड पर काम करता है, जिससे क्या होता है, अब ये विटामिन डी जब पैराथायरॉयड ग्लैंड पर डायरेक्टली काम करेगा तो जो पीटीएच जीन का ट्रांसक्रिप्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब पीटीएच जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं तो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए पैराथायरॉयड ग्लैंड का लेस प्रोडक्शन होता है। क्लियर? तो पीटीएच क्या कर रहा है, विटामिन डी को सिंथेसाइज कर रहा है, और विटामिन डी डायरेक्टली किस पर काम कर रहा है, पैराथायरॉयड ग्लैंड पर काम कर रहा है। और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड पर किस टाइप से काम करता है, ये क्या करता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो पीटीएच जीन होता है उसके ट्रांसक्रिप्शन को ये कम कर देता है, और ट्रांसक्रिप्शन कम हो जाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा या कम हो पाएगा, तो उससे पीटीएच का सिंथेसिस भी कम होगा। अब हम बात करते हैं कि जब कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, जब लो कैल्शियम लेवल है तो जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। लोअर कैल्शियम लेवल होता है तो क्या होता है, ये जो कैल्शियम पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें चीफ सेल्स पर, उनका भी स्टिमुलेशन कम हो जाता है, तो क्या होगा, फॉस्फोआइनोसिटाइड का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। यहाँ तो क्या हो रहा था, ये दोनों इससे जुड़ते हैं, जुड़ेंगे तो फॉस्फोआइनोसिटाइड बनता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ये कैल्शियम इससे बाइंड हो ही नहीं पाता है, तो यहाँ पे फॉस्फोआइनोसिटाइड का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, जिससे
पीटीएच का सिक्रीशन इनहिबिट नहीं हो पाता है। यहाँ क्या हो रहा था, फॉस्फोइनोसिटाइड बन रहा था इसलिए पीटीएच का सिक्रीशन रुक गया था, या फॉस्फोइनोसिटाइड बन ही नहीं रहा है या कम बन रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, पीटीएच का सिक्रीशन रुकता नहीं है, इनहिबिट नहीं होता है। अब दूसरी बात आती है कि जब विटामिन डी कम हो जाता है तो क्या होता है, पीटीएच जीन के ट्रांसक्रिप्शन का अपरेगुलेशन हो जाता है। तो अब पीटीएच जीन के ट्रांसक्रिप्शन का जब अपरेगुलेशन हो जाएगा, मतलब कि उनका ट्रांसक्रिप्शन रुक नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पीटीएच सिंथेसाइज होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस होगा। तो कहने का मतलब ये कि जब विटामिन डी की कॉन्सेंट्रेशन कम होती या विटामिन डी कम होता है तो उस कंडीशन में तो पीटीएच ज़्यादा सिंथेसाइज होता है, और जब विटामिन डी ज़्यादा होगा तो उस समय पीटीएच क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। क्लियर, ये भी हमने यहाँ पे देखा ही था कि विटामिन डी क्या करता है, पीटीएच जीन की ट्रांसक्रिप्शन को डिक्रीज कर देता है जिससे पीटीएच का सिक्रीशन सिंथेसिस कम होता है। क्लियर, अब बात करते हैं जब फॉस्फेट लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये जब फॉस्फेट बढ़ता है तो ब्लड में फ्री कैल्शियम को वो कम करता है और साथ ही वो क्या करता है, विटामिन डी के फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करता है, कौन, फॉस्फेट लेवल। अब हम बात करते हैं पीटीएच डिसऑर्डर्स की, कि पैराथायरॉइड हार्मोन से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म क्या होता है, हाइपो मीन्स कम, जब पैराथार्मोन का सिक्रीशन कम होता है या उसका हाइपोसिक्रीशन होता है तो ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आप देखिए हमने इस डायग्राम में क्या देखा था कि यहाँ सबसे कैल्शियम रिलीज होकर के क्या हो रहा था, ब्लड में कैल्शियम बढ़ रहा था, ये कौन करवा रहा था, पीटीएच करवा रहा था। जब इसका सिक्रीशन ही कम हो जाएगा तो यहाँ से कैल्शियम आएगा ही नहीं इन सब जगहों से, तो ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जब पीटीएच का हाइपोसिक्रीशन या कम सिक्रीशन होता है तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, जिससे नर्व्स और मसल्स की एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर, किसकी एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, नर्व्स और मसल्स की। ठीक है, क्योंकि इनको कैल्शियम नहीं मिल पाएगा। अब आपको पता है कि जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब प्रोसेस होता है तो उसमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो लैरिंग्स, फेस, हैंड्स और फीट की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में ही रह जाएगी, मतलब वो वापस रिलैक्स नहीं हो पाएगी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टिटेनी। तो ये कब होता है, जब पैराथायरॉयड हार्मोन जो है, पैराथार्मोन जिसको हम बोलते हैं कॉलिप्स हार्मोन, उसका सिक्रीशन जब कम होता है तो टिटेनी जैसी कंडीशन आ जाती है, और ये पैराथायरॉयड हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से हो रही है इसलिए इस टिटेनी को हम क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड टिटेनी। अब आता है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। अब जो पैराथार्मोन होता है वो क्या करता है, बोन से कैल्शियम को रिमूव करता है, ये तो हमने पढ़ा ही था, और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को राइज करता है। अगर ये पैराथार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, बोन से कैल्शियम ज्यादा बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, बोन्स का ब्रेकडाउन करती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोन से सारा कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, तो हड्डियां क्या हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। तो उससे क्या होता है, अगर पैराथार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां खोखली हो जाएगी और इसमें बोन सॉफ्ट हो जाती है, मतलब थोड़ा सा भी कहीं पर लग जाती है तो फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, तो बोन सॉफ्ट हो जाती है। और कुछ बोन्स के जो सब्सटेंस होते हैं उस वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, उससे वो रिप्लेस हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका कब होता है, जब पैराथार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है। क्लियर, जब पैराथार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि कैल्शियम किडनी में भी डिपॉजिट होने लग जाता है, और कैल्शियम किडनी में डिपॉजिट हो जाता है तो किडनी स्टोन हो जाता है। Yeah? Thank you.